हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे होने वाली जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो सेफ्टी के रिलेटेड रहती हैं, कि हम कैसे वहाँ सेफ्टी रखते हैं, उसके लिए हम क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अभी सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें आपको मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। तो मेजर एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो ये चीज़, जो मेजर एक्टिविटीज़ रहती हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड होता है उसमें एक्सकवेशन, वेल्डिंग, कटिंग, पेंटिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क। अब इनमें होने वाले हैज़ार्ड्स क्या हैं, कितने हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम उसका क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, उसे मैनेज करेंगे। ठीक है, जब हम एनालाइज करेंगे और मैनेज करेंगे तभी हम उस हज़ार्ड को एलिमिनेट वहाँ से कर पाएंगे। तो हमें सारी जो चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो रहा है ना, तो हमें पता होना चाहिए किस एरिया में कौन सा वर्क है और हमें किस तरीके की सेफ्टी उसे प्रिवेंट करनी है, हमें प्रिकॉशन देनी है। तो हमें पूरा कंस्ट्रक्शन फेस प्लान पता होना चाहिए इसके लिए। अगर हमें फेस प्लान पता होगा तो हम जो सेफ्टी के लिए जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हम बना रहे हैं, वो हमें पता लग पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें एक थोड़ा चेन बना हुआ है, डायग्राम टाइप है ये, जो इसमें आपको बताया गया है कि आपको कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है। ये CDM रेगुलेशन 2015 का है। ठीक है, तो उतना ये बेनिफिशियल नहीं है, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन जो भी करता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी है, सेफ्टी से रिलेटेड उतना नहीं है ये। पर हाँ, इसमें दो चीज़ें आपको जो ग्रीन दिख रही हैं, प्रिंसिपल, डिज़ाइनर्स एंड डिज़ाइन टीम। ठीक है, तो उसमें हमें हार्म चेक करना है, उसके हार्म अवॉइडेंस क्या क्या हैं, और हार्म जो है उसको हम मतलब कैसे एलिमिनेट करें, हैज़ार्ड्स अवॉइडेंस जो भी हैं उनको हम कैसे एलिमिनेट करें, और रिस्क मिनिमाइजेशन कैसे करें। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन टीम। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो भी है और कंस्ट्रक्शन टीम है, उनके साथ भी हमें टाई अप करना होगा, हमें हज़ार्ड एनालाइज करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, इससे कि कंस्ट्रक्शन फेस प्लान तैयार होगा। जब वो प्लान तैयार होगा तो हमारा जो प्लान है वो वर्क करने के साथ साथ सेफली भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये शो कर रही है। उसके बाद देखिए, जो भी हमारा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही है, हमने ओनर ऑक्यूपेंसी की, हमने प्रोजेक्ट क्लोज आउट किया, सारी चीज़ की, पर इसके पीछे जो सेफ्टी का हाथ है वो क्या क्या रहा। ठीक है, तो उसके यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कुछ बताऊँगी, जैसे कि मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ तो हमने बात की क्या क्या होती है। अब उसके अंदर वेरियस मैथड्स जो हैं, जैसे कि एक्सकवेशन की, जो एक्सकवेशन करते समय जो हज़ार्ड हो रहे हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग कटिंग ऑपरेशन अगर किए जा रहे हैं तो हमें उसे अंडरस्टैंड करना और उसके लिए सेफ्टी प्रिवेंट करना, हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना वेल्डिंग के वक्त, क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में वर्क चल रहा है तो उसके बारे में पता लगाना कि इसमें क्या क्या हज़ार्ड्स हैं और किस किस तरीके के हज़ार्ड हो सकते हैं और हम क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, उसके बारे में बात करना। फिर हैज़ार्ड्स और पेंटिंग ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें भी चेक करना, क्योंकि इनमें होने वाले जो हैज़ार्ड्स हैं उन्हीं से हमें नुकसान होगा, तो हमें वही सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद सैंड ब्लास्टिंग, ये भी की जाती है, जैसे कि हमें जैसे कहीं थोड़ा ज़्यादा ऊंचा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और हमें वहाँ पे कुछ वर्क करना है या कोई भी चीज़ बनी हुई है, उसे हम ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्टिंग सिस्टम करते हैं कि हम कैसे सेफ्टी रख सकें। ठीक है, और हैज़ार्ड्स हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि हम हर तरीके के हैज़ार्ड्स वहाँ पे देखेंगे। अगर हमें हैज़ार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कैसा हैज़ार्ड है, कौन सा हैज़ार्ड है, एक्सकवेशन पे क्या हैज़ार्ड हो सकते हैं, वेल्डिंग वर्क में क्या हैज़ार्ड हो सकते हैं, हॉट वर्क पे क्या हैज़ार्ड हो सकते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ये बताया गया सिंडेक्स में कि डिज़ाइन, ये जो डायग्राम है इसमें ये बताया गया है कि आपका डिज़ाइन क्या है। ठीक है, जो भी आप डिज़ाइन ले रहे हैं उसमें क्या डिज़ाइन है आपका। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा आपका। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग क्या रहेगा आपका,
कमीशनिंग क्या रहेगी आपकी, ओनर ऑक्यूपेंसी क्या रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जब भी आप ये सारे स्टेप्स तो आपको लेने ही है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो पूरा कंस्ट्रक्ट करेगा उसको, है ना, जो भी सिविल इंजीनियर है वो ये सब करेगा। पर आपका इसमें क्या प्लान रहेगा, आपका सेफ्टी से रिलेटेड रहेगा कि आपको सेफ्टी कैसे रखनी है, क्योंकि जैसे ही प्लानिंग तैयार होती है, जैसे ही साइट शुरू होती है, तो सबसे पहले उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सबसे पहले सेफ्टी को हम उसमें रखेंगे, फायर एंड सेफ्टी। हमें आग से भी बचाव करना है, हमें सेफ्टी भी रखनी है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पूरा प्लान तैयार करना होगा, एग्ज़िट एंट्रिंग पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट, एमरजेंसी प्लानिंग, एमरजेंसी ट्रेनिंग, एमरजेंसी टीम ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी हम एक्सीडेंट्स को, वहाँ होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हैजार्ड से भरे हुए काम होते हैं, जैसे कि एक्सकवेशन हो गया, हाइट वर्क हो गया, और कन्फाइंड स्पेस वर्क हो गया, पेंटिंग ऑपरेशन हो गया, और भी बहुत सारे वर्क है ना, वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, स्कार्फ फोल्डिंग वर्क हो रहा है, हाइट में आ गया ये, तो ये सारे काम अगर हो रहे हैं तो हमें इनके लिए कैसे सेफ्टी रखना है इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसी में मैं अभी आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी कल, जो कि रहेगा बाकी सारे जो भी वर्क हैजार्ड और उसके प्रिकॉशंस के बारे में, ठीक है। हर एक काम को लेके हम चलेंगे, जो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मेन काम होते हैं, जो कॉमन वर्क्स रहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के, जो ज़्यादातर रोज़ में किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू।